कुछ समा पहला ब्यास ते बाबा बकाला दे लगदियां पिंडां दे विच जिथे के खूनी झड़प हुई है, लगातार उत्थों दी जो खबर सामने आ रही है लगातार पत्थरबारी हो रही है निहंग सिंघां ते डेरा ब्यास दे जो समर्थक ने उन्हां दोवां दे विच, ते जो उत्थे जख्मी होए ने उन्हां नूं अमृतसर सिविल हस्पताल लिआंदा जा रहा है, ते उस दे लई काफी पुख्ता इंतजाम पुलिस ते कीते गए ने। मैं अपने सहयोगी नूं कहांगा कि एक बार जो पुलिस हॉस्पिटल सिविल हस्पताल अमृतसर दे बाहर खड़ी है वह दिखाई जाए, क्योंकि जिस तरीके दे नाल उत्थे खूनी झड़प हुई आपस दे विच दो तिरां दी, पुलिस ने उत्थे जाके माहौल नूं काफी शांत करन दी कोशिश कीती है, पर लड़ाई इन्नी जबरदस्त सी दोवां तिरां दे विच के हदों वध जख्मी होए ने, ते उस्थों ते डाक्टरां ने बाबा बकाला सिविल हॉस्पिटल रखिया कई जख्मी व्यक्तियां नूं ते कईआं नूं अमृतसर सिविल हस्पताल ते गुरु नानक देव हस्पताल अमृतसर लई भेजा गया। मैं अपने सहयोगी नूं कहांगा कि एक बार तस्वीरां दिखाईआं जाण कि किस तरीके दे नाल पुलिस वाले इस करके खड़े ने, क्योंकि जिहड़ा माहौल बन चुका सी निहंग सिंह पाला सिंह बाबा जी गईआं वाले जिहड़े कि काफी मशहूर ने, गऊआं दे नाम तों जाने जांदे ने, उहनां दी काफी सेवा भी करदे रहे ने, ते डेरा ब्यास दे समर्थक आपस दे विच किसी जमीनी विवादां नूं लै के जो सूत्रां दे हवाले तों खबर आ रही है उस नूं लै के काफी झड़प हुई आपस दे विच, पुलिस ने काफी उस चीज़ नूं खदेड़न की कोशिश की सी, दोवां धिरां नूं पिछे करन की कोशिश की है, ते मामला हत्तों वध चुके है। फिलहाल पुलिस इस गल की पुष्टि नहीं कर रही, साडी हुणे SSP स्वापन शर्मा ने भी गल हुई, उन्होंने भी यही कहा कि जख्मी होए ने पर किसी की भी मौत की पुष्टि अजे डाक्टरां ने नहीं की, जिस करके कि कई जख्मी होए जवानों नूं जिहड़े उत्थे निहंग सिंह ते डेरा समर्थक दे आपस दे लगदे सीगे दो धिरां जो जख्मी होईआं ने दोवां नूं अमृतसर दे हस्पताल सरकारी हस्पताल सिविल हस्पताल दे विच भेजा गया, ते इत्थे पुलिस दे पुख्ता प्रबंध नजर आ सकते ने। असि थोनू एंट्री गेट तो लैके जो अंदर एमरजेंसी तक दिया लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं, जिथे के एम्बुलेंस ते बाकी होर स्टाफ भी पहुंच चुका है, ते पुलिस दे भी पुख्ता प्रबंध ने, क्योंकि जो माहौल बनया होया इस वेले कि जिस तरीके दे नाल धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है कईआं दे, जां इत्थे माहौल होर भी तनावपूर्ण हो सकदा, उस माहौल नूं शांत करन दे लई पुलिस दे इत्थे पक्के जो नाके भी लाए गए ने, ते पुलिस इत्थे जगह जगह ते खड़ी भी कीती गई है ता जो माहौल गर्म ना होवे ते मौके ते शांत हो सके। जिस तरीके दे नाल ब्यास ते विच माहौल नूं शांत कीता गया, मैं अपने सहयोगी नूं कहांगा कि अंदर दीआं तस्वीरां दिखाईआं जाण, उत्थे भी पुलिस मुलाजम तैनात होए होए ने, ते जिथे के एग्जामीनेशन रूम है असीं उहनां तों वी पता करवाया, उही गल कह रहे ने कि जो उत्थे जख्मी होए ने उहनां नूं इत्थे लिआंदा जा रिहा रस्ते दे विच ने, फिलहाल कदों पहुंचणगे इस गल की पुष्टि नहीं कर रहे, पर जो सानू उत्थों जानकारी मिली है तुहानूं नाल सांझी कर रहे हां कि अमृतसर सिविल हस्पताल दे विच जो जख्मी होए उन्हां नूं लिआंदा जाएगा, ते स्टाफ भी पहुंच चुके हैं, ते जिन्ने भी पुख्ता इंतजाम हो सकते ने सारे किए गए ने, और जिथे कि आंदे ही चैकअप दे लई रखिया जाएगा, और सुनने विच इह भी आउंदा है जो सूत्र कह रहे ने कि उत्थे इस तरीके की खूनी झड़प हुई है कि गुट लत चुके ने निहंग सिंघां दे, ते लत्तां ते भी वड्डियां सट्टां लगियां ने। फिलहाल जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे ने उन्होंने भी गल करन दी कोशिश करदे आ। सर एक वड्डा पहरा लग चुका पुलिस दा, किस तरह दी ड्यूटी दे रहे? पुलिस तो प्रबंध कीते, पुलिस प्रबंध पूरे कीते आ, इत्थे फिलहाल आए नहीं अजे कि यार फिलहाल आंदे होणे आए नहीं अजे। किन्ने के जवान तैनात ने? जवान देखो काफी जवान है, तां करके लाए गए ने कि माहौल होर ना गर्म हो चुके। हां हां, होर स्पेशल ड्यूटी स्पेशल हदायत दित्ती होवे हस्पताल दी सिक्योरिटी वास्ते, उहनां दी पब्लिक दी सिक्योरिटी वास्ते? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਹਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ TV ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।